हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक लेकर आया हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है फॉर्म FC-GPR। ये फॉर्म FC-GPR क्या होता है, कब इसे फाइल करते हैं, इसको कैसे फाइल किया जाता है, कौन सी कंपनियां इसको फाइल करती हैं, तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स जो मैं ये वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ आपको पसंद आ रही हैं। और प्लीज़ यार अगर पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं फॉर्म FC-GPR। फ्रेंड्स फॉर्म FC-GPR ये होता है एक फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न। तो जब भी फ्रेंड्स हमारी कंपनी को अगर आउटसाइड इंडिया किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर से कैपिटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट रिसीव होता है, मतलब हमने कोई कंपनी बनाई है इंडिया के अंदर और हमने जो शेयर्स अलॉट करे हैं वो किसी फॉरेन इन्वेस्टर को करे हैं, तो इस केस में हमें RBI को बताना होता है कि भाई इतने रुपए का अमाउंट हमें फॉरेन इन्वेस्टर से आया है और ये जो अमाउंट आया है इसके अगेंस्ट हमने इतने रुपए के शेयर्स अलॉट करे हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। हेलो जी, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं फॉर्म FC-GPR। फॉर्म FC-GPR फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न। तो फ्रेंड्स दिस कंप्लायंस इज कवर्ड अंडर फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फ्रेंड्स पहली बात तो यह है कि ये जो हमारा जो कंप्लायंस है ये फेमा एक्ट के अंदर कंप्लायंस आता है। और इस कंप्लायंस के लिए हमें करना क्या होता है कि जब भी हमें कोई फॉरेन इन्वेस्टर से शेयर कैपिटल के लिए अमाउंट रिसीव होता है तो जो इंडियन कंपनी है उसको RBI में रिपोर्ट करना होता है कि इस इन्वेस्टर से हमें इतना अमाउंट मिला है और हमने इसके अगेंस्ट इतने जो शेयर्स हैं वो अलॉट कर दिए हैं। तो इसी की एक रिटर्न होती है और ये हमारा एक RBI कंप्लायंस है। दिस फॉर्म इज फाइल्ड फॉर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर। मतलब ये जो फॉर्म है ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो हमें रिसीव हुआ है फॉरेन इन्वेस्टर से उसके लिए ये फॉर्म फाइल किया जाता है। व्हेनेवर एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर फॉर सब्सक्राइबिंग शेयर कैपिटल इन इंडियन कंपनी। अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल सब्सक्राइब करता है तो उसके लिए हमें ये जो फॉर्म है फॉर्म FC-GPR वो फाइल करना होता है RBI के अंदर। दिस फॉर्म इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडियन कंपनी। मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर है जिसने इंडियन कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करे हैं तो शेयर्स जिस दिन अलॉट हुए हैं उस दिन से लेकर 30 दिनों के अंदर अंदर ये जो फॉर्म FC-GPR है ये हमें फ्रेंड्स फाइल करना होता है RBI के अंदर। फाइल्ड बाई द कंपनी थ्रू इट्स AD बैंक। और ये जो कंपनी फाइल करेगी AD बैंक के थ्रू, AD बैंक मतलब ऑथोराइज डीलर। एक ऑथराइज डीलर होते हैं जैसे हमारा करंट अकाउंट HDFC बैंक के अंदर है और उस HDFC बैंक में हमें जो शेयर कैपिटल का पैसा है वो रिसीव हुआ है। तो हम जो फॉर्म FC-GPR फाइल करेंगे वो HDFC बैंक के थ्रू फाइल करेंगे। मतलब जब हम RBI को फॉर्म सबमिट करेंगे तो पहले वो फॉर्म HDFC बैंक के पास जाएगा और फिर जब HDFC बैंक उसे क्लियर कर देता है उसके बाद फिर वो फॉर्म RBI में जाएगा। और ये जो फॉर्म हम FC-GPR फाइल करते हैं इसमें बैंक चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो बैंक चार्जेस हैं वो फिक्स नहीं हैं, वो वेरिएबल होते हैं और वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, नेगोशिएट करके ये जो चार्जेस हैं काफ़ी कम करा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब हम फॉर्म FC-GPR फाइल करने जाएंगे तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स जब भी आप फॉर्म FC-GPR फाइल करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत बेहद ज़रूरी हैं, आपके पास होने चाहिए। जैसे कि KYC ऑफ इन्वेस्टर, ये हमें बैंक देगा। तो अगर आप फॉर्म FC-GPR फाइल करने जा रहे हैं तो अपने बैंक से इन्वेस्टर की KYC लें। FIRC फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, मतलब जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है इन्वेस्टर से तो ये भी जो FIRC ये भी बैंक प्रोवाइड कराएगा। CS का सर्टिफिकेट, एक CS का सर्टिफिकेट लगता है और वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड, और जो सिक्योरिटी अलॉट हुई है उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लगेगा।
तो ये चार डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए जब हम फॉर्म FC-GPR फाइल करेंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ये किस तरीके से फाइल करना है हमें RBI के पोर्टल पे। तो हम स्टेप्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेंड्स इसकी जो वेबसाइट है वो है firms.rbi.org.in। इस वेबसाइट पर जाके हमें फॉर्म FC-GPR फाइल करना होता है। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर जाकर अपना एंटिटी मास्टर तैयार करेंगे। एंटिटी मास्टर रेडी करने के बाद फिर हम अपना बिजनेस यूजर बनाएंगे और बिजनेस यूजर बनाने के बाद हम फाइल करेंगे फॉर्म FC-GPR। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट पर जाकर अपना एंटिटी मास्टर बनाना होगा। एंटिटी मास्टर बनाने के बाद फिर आप अपना बिजनेस यूजर बनाएंगे और बिजनेस यूजर बनाने के बाद फिर आपको लॉगिन आईडी मिल जाएंगे। तो उसके बाद फिर आप अपना जो फॉर्म FC-GPR है वो फाइल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये हमें किस वेबसाइट पर जाना है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पोर्टल फर्म्स पोर्टल फर्म्स, ये मैं दिखा देता हूँ आपको https firms.rbi.org firms। ये यहाँ पर हमें जाना है। सबसे पहले हमें इस लिंक के थ्रू अपना एंटिटी यूजर क्रिएट करना है और जब हमारा एंटिटी यूजर क्रिएट हो जाएगा फिर हमें उसके बाद बिजनेस यूजर क्रिएट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स जब हमारा एंटिटी यूजर बन जाता है और बिजनेस यूजर बन जाता है तो हम उसके बाद इस पोर्टल पे जाके लॉगिन करेंगे और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा हमें फॉर्म फाइल करने का, सिंगल मास्टर फॉर्म। वहाँ से आप फॉर्म FC-GPR क्लिक करेंगे और जो जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करके और अपने रिटर्न फाइल कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लाइव डेमो देखना चाहते हैं कि फॉर्म FC-GPR किस तरीके से फाइल होता है लॉगिन करने के बाद, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक न्यू वीडियो बना दूंगा और किस तरीके से फॉर्म फाइल करना है आपको फॉर्म FC-GPR उसके भी प्रोसेस मैं उस वीडियो में इनिशिएट कर दूंगा सारी की सारी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो मेरा आज का टॉपिक था फॉर्म FC-GPR ये आपको समझ आया होगा। अगर अगर आपको लगता है कि ये जो मेरी वीडियो थी ये आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स कमेंट करना मत भूलना, अगर आप चाहते हो कि फॉर्म FC-GPR का लाइव डेमो मैं आपको दूँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक लाइव डेमो वीडियो तैयार करता हूँ फिर वो आपको अपलोड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।